चलिए स्टूडेंट्स, अब आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ आते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन जो है, इट ऑबेज गैस लॉ अंडर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर ऑल टेम्परेचर कंडीशंस. ठीक है, कि जितने भी टेम्परेचर की कंडीशन है उन सब के अंदर जो है हमारे पास गैस लॉस को फॉलो हो रहा है, वो हो रहा होता है. ठीक है, जैसे पी इज प्रोपोर्शन टू 1/V, ये किसके अंदर है, बॉयज लॉ के अंदर है. ठीक है, उसके लिए हमने पी वी कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जो कि हमारे पास चार्ज का है, टी वी आ गया. अवोगैड्रोस लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि एन एन वी, ठीक है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. वैसे जो पी टी वाली बात थी वो किसके अंदर थी, मैंने आप लोगों को बता दिया है, वो गे लुसक लॉ के अंदर थी. ठीक है, हम लोग फर्दर आ जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको अगर हम लोग भी को कंबाइन करके लिखे तो ये आएगा वी इज प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी. ठीक है, तो पी वी ये इधर चला गया. ठीक है, तो ये पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये जो आ रही है, हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारे पास. ठीक है, जिसकी वजह से क्या आ गया, जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास बन जाती है. वी डील ऑल पैरामीटर्स टुगेदर. आर जो है वो क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है. ठीक है, और इसकी मतलब वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, पी वी अवर एन टी. जो प्रेशर है हमारे पास वो 180 atm है, जो वॉल्यूम 22.4 dm³ है. ठीक है, ये क्यूब है, इट्स नॉट देयर. एन जो है वो हमारे पास 1 mole हमने लिया. टेम्परेचर जो है 273 kelvin को यहाँ पे हमने लिया है. ठीक है, अब ये देखिए आर जो है हमारे पास 0.0821 atm dm³ पर मोल केल्विन. ठीक है, या पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन भी आप इसको कह सकते हैं, या आप इसकी वैल्यू याद कर लें. ठीक है, इसके बाद ज़रा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है. ठीक है, इसको देख लेते हैं, काफ़ी इससे आप लोगों का मतलब आप लोगों को चीज़ें समझ आने लग जाएंगी. कहते हैं वैल्यू ऑफ आर इन एस आई यूनिट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फिर से वैल्यू ऑफ आर हमने एस आई यूनिट्स के अंदर फाइंड करनी है, जो कि हमें दी गई होगी. ठीक है, वो कैसे करेंगे कि आर हमें पता है पी वी बाई एन टी के इक्वल होते हैं, बस क्या होता है 101325 newton meter. ठीक है, और वी जो है वो हमारे पास क्या 22.4 meter³. अगर हम लोग दूसरी तरफ से देखें तो ये हमारे पास जो एन मोल है वो 1 mole है, टेम्परेचर 273 kelvin है. ठीक है, और जो ये 22.4 है इसको हमने डिवाइड किया है 1000 के साथ. ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8.314. इस मतलब ये हमारे पास एक यूनिट थी जिसको मैंने आप लोगों को समझा भी दिया है एक MCQ के तौर पे, और ये यूनिट जो है ये आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी. ठीक है, क्योंकि SI यूनिट बताई गई है यहाँ पर. सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक थी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा डेंसिटी को डिस्कस कर लेंगे, डिफ्यूजन इफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ वगैरह, एंड फर्दर मोर काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, और पढ़ते रहिएगा, शुरू से तैयारी रखिए अपनी. अल्लाह हाफिज़.